पूर्व सांसद और विधायक इरफान अंसारी के पिता फुरकान अंसारी ने प्रदेश नेतृत्व पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ये जो कार्यकारी अध्यक्ष दिल्ली गए हैं उनको आज होश आया, मैंने तो पहले ही प्रदेश नेतृत्व को लेकर सवाल उठाए थे। राजेश ठाकुर को हटाने की मांग भी की थी। इन कार्यकारी अध्यक्षों का भरोसा नहीं, जब प्रदेश नेतृत्व में बदलाव करने की मांग हुई थी तब इन लोगों ने कोई समर्थन नहीं दिया था। आज जब चुनाव सिर पर है तो इन्हें होश आया और प्रदेश के खिलाफ पहुंचे हैं दिल्ली। देखिए इन लोगों के ऊपर भरोसा मत करिए, कब क्या बोलेगा लोग। ये बात तो मैं पहले से बोल रहा था, संगठन ठीक नहीं चल रहा, ठीक से चलाया जाए, लेकिन ये लोग सपोर्ट करते थे, कहने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज इन लोगों की नींद खुली है, जब अंतिम पड़ाव में जब कल परसों से चुनाव घोषणा होने वाला था, अब क्या होगा, अब तो ठाकुर जी भी चुनाव कराएंगे, इसलिए लोग कब क्या बोलता है, कहाँ से बोलता है। आपका ऐसा मानना है कि पहले ही बदलाव हो जाना चाहिए? बहुत पहले ही हम लोगों ने कहा था कि संगठन को चेंज कर दिया था, तो वो पांडे जी थे हमारे प्रभारी, उन्होंने भी कहा था मेरे को कि हम उनको विचार करते हैं, विचार करिए पार्टी के मामले में। तो आपको लगता है गीता कोड़ा जो संगठन छोड़ के गई है कांग्रेस छोड़ के, इसमें प्रदेश अध्यक्ष उनकी बात है? अब इनकी कमजोरी है कि नहीं है, ना उनके ऊपर कोई दबाव है, दबाव ही तो होता है, बीजेपी का सीबीआई का दबाव है, ईडी का दबाव है, बहुत सारा दबाव है, उनको केस भी चल रहा है, तो दबाव में भी लोग चले जाते हैं। उन्होंने कहने में से कैसे होगा, अब सीबीआई चल रहा है, उस पर आर यू मिक्सर थे पार्लियामेंट बीजेपी के सपोर्ट में था। गीता कोड़ा कांग्रेस के एमपी थी, वो बीजेपी चली गई, मुझे बहुत मेरी बेटी की तरह है, मैं चाहता था कि दोबारा वो एमपी फिर बनेगी इस बार, लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो बीजेपी चली गई, अब दोबारा एमपी होना सही नहीं, मुझे बहुत तकलीफ इस बात का कि कांग्रेस चाहते थे कि दोबारा एमपी बने, वो नहीं बन पाई।